हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल द पार्ट ऑफ अन एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर गेट ESC एंड IRMS एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। ओके, सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज मैं आपके लिए इंटरव्यू सेशन लेकर आया हूं और ये इंटरव्यू सेशन के अंदर आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिकल की हिस्ट्री से भी कनेक्ट करेंगे और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी पता चलेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमी प्लस एंड मायसेल्फ। गाइज, मायसेल्फ राहुल शर्मा, आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ESC। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं राहुल11 का और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। एंड दिस इज अवर टीम ऑन अनअकैडमी प्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर हम अनअकैडमी प्लस को क्यों ज्वाइन करें, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस आपको क्या करेंगी, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराएंगी और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट, इंग्लिश और हिंदी में यहाँ लेक्चर अवेलेबल है जिससे आपको कंफर्टेबल रहेगा, आपको जिस लैंग्वेज में स्टडी करना है उस लैंग्वेज के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं। आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, ये क्रैश कोर्स आपको पता है अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट क्रैश कोर्स विल हेल्प इन योर रिविजन और आपका जो मार्क्स है वो भी बूस्ट अप होगा। तो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो 3 मंथ्स आपके पास रिविजन के लिए मोर देन सफिशियंट है। गाइज, डाउट क्लियरिंग सेशन, यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलता है। अगर मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूं तो 1, 2, 3 क्लास के बाद जो 4th क्लास होगा वो इट इज ऑलवेज ए डाउट क्लियरिंग क्लास। तो आपको जो 1, 2, 3 लेक्चर के अंदर डाउट है वो आप क्या कर सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं 4th लेक्चर में। गाइज, जैसा कि आपको पता है सर ने प्रॉमिस किया रैंक इंप्रूवमेंट बैच आने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है क्रिएटिक्स के द्वारा आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट्स अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जून से स्टार्ट होगा, वीकली टेस्ट मिलते हैं गाइज आपको। वीकली टेस्ट के अंदर आपको पता चलता है कि आप सब्जेक्ट के अंदर कितना ग्रैप कर पा रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पर आपको बेस्ट कोर्सेज मिलते हैं, बेस्ट बैच कोर्स। देखिए अंकित सर और विशाल सर का जो बैच कोर्स जा रहा है मिशन गेट ESC फॉर 2021 के लिए, जहां पर अंकित सर आपको मशीन पढ़ा रहे हैं हिंदी में और अंकित सर आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसी तरीके से देवेंद्र नेगी सर का आपको मैकेनिकल के अंदर भी बैच मिल जाएगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मशीन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंड है गाइज, आपके माइंड में डाउट होगा कि सर किस तरीके का एनवायरमेंट या किस तरीके का यूजर इंटरफेस होगा अनअकैडमी प्लस का, तो आप खुद देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस। यहाँ लाइव क्लास ले रहे हैं अंकित सर आपकी और लाइव क्लास के अंदर वो मशीन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और मशीन सब्जेक्ट देखते ही आपको पता चल गया कि विजुअलाइज हो रही है यहाँ पर मशीन, आपको विजुअलाइजेशन कराया जा रहा है कहाँ पर आपके पोल्स हैं, कहाँ पर कंडक्टर हैं, कहाँ आपके आर्मेचर हैं, कहाँ स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है, कैसे ब्रशेस कनेक्टेड हैं, कहाँ पर कंडक्टर सेट होते हैं। तो यहाँ देखिए आप खुद, मतलब क्या है इस बात का बताने का पॉइंट ये है गाइज कि टाइम वेस्ट नहीं होगा डायग्राम बनाने में, ठीक है, और डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक पर होगा। आगे चलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है गाइज वो मेरे को यहाँ पहले लगती है लीडर बोर्ड। एज एन स्टूडेंट हर स्टूडेंट की इच्छा होती है जानना कि मेरा रैंक कितना चल रहा है इन स्टूडेंट्स में, तो आपको लीडर बोर्ड से अपनी रैंक भी पता चलती है, आपने कितने आंसर सही दिए वो भी पता चलता है और आपका ओवरऑल रिएक्शन टाइम कितना रहा पर क्वेश्चन पे वो भी आपको पता चलता है। तो ये इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगता है। लाइव पोल कंडक्ट करा सकते हैं, कोई चीज बच्चों को समझ में आई नहीं आई वो यस या नो करके पूछा जा सकता है। डाउट क्लियरिंग, लाइव क्लास के अंदर ही बच्चा एक डाउट पूछ रहा है सर से, सर ने उसके ऊपर कुछ अपने रिमार्क्स पॉइंट्स भी लिखे हैं। आगे मूव करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और आपके लिए पहला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। तो एज एन इंजीनियर अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि एयर कंडीशंस आर रेटेड इन टन्स नॉट इन KVA और किलोवाट, व्हाई? तो गाइस इसे स्टार्ट करेंगे पहले
तो अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि केवीए ट्रांसफॉर्मर आर रेटेड इन केवीए, अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन केवीए एमवीए, है ना, मोटर्स आर रेटेड इन केडब्ल्यू एंड हॉर्स पावर, बहुत आसानी से आप आंसर दे देंगे, आई नो अबाउट दैट, बट व्हाई एयर कंडीशंस आर रेटेड इन टन, वेदर दे रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द एयर कंडीशन और एनीथिंग एल्स, तो लेट्स फाइंड आउट, इसे फाइंड आउट करते हैं और चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले गाइस देखिए, कूलिंग का हमारे डोमेस्टिक पर्पस लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज रहा है। 19th सेंचुरी में जब विंटर्स होते थे तो जो हमारी लेक्स होती थी उनके ऊपर जो आइस है वो क्या हो जाता था, पूरी की पूरी जम जाती थी। तो प्यूपल्स क्या, जो लोग थे वो क्या करते थे, उन आइस को बड़े बड़े ब्लॉक्स आइस के कट कर लिया करते थे, जो आपको यहाँ पिक में दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद विंटर्स में इन्हें प्रिजर्व कर लिया करते थे, और जब समर्स आती थी फॉर कूलिंग पर्पज इनका यूज किया करते थे, ठीक है। यहाँ आप पिक में बहुत आसानी से देख सकते हैं कि द पर्सन यहाँ पर आइस के ब्लॉक्स को कट कर रहा है इन विंटर्स में, और समर्स में इसी आइस का हम यूज करेंगे फॉर कूलिंग पर्पज। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पर लोग आइस के ब्लॉक्स को कट करते हुए, और ये तो इंडियन रेलवे के फर्स्ट एसी का एग्जाम्पल है कि कूलिंग कैसे करी जाती थी इन एसी कंपार्टमेंट्स इन रेलवेज। तो यहां पर देखिए आइस का जो डोमेस्टिक पर्पज यूज है वो हमेशा से ज्यादा रहा है, ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर हमेशा से रहा है। तो इस तरीके से हम आइस का यूज करते थे फॉर कूलिंग पर्पज। अब पुराने टाइम के अंदर जो पर्सन होते थे उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम चीजों को कंपेयर करा करते थे फॉर रियल लाइफ विद टेक्निकल, जिससे उन्हें रॉकेट साइंस ना लगे और समझने में आसानी हो। मतलब क्या है इस बात का, यहां पर देखिए गाइस, यहां पर अगर मैंने कहा 1 HP मोटर, आपके आंखों के सामने 1 HP मोटर है, तो 1 HP मोटर से पर्सन को समझ में आ गया कि ये मोटर उतनी ही पावर जनरेट करेगी जितना एक हॉर्स को 550 LBS वेट को 1 फिट तक पुलअप करने में, पुलअप मतलब उठाने में 1 सेकेंड में जितना टाइम लग रहा है, जितनी उतनी ही पावर ये क्या करेगी, मोटर हमारी प्रोड्यूस करेगी। तो यहां पर ये कंपैरिजन जो है, जो सिंपल पर्सन हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाता है कि अब समझ में आ गया, दिस मोटर हैव दैट पावर इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर, मतलब सेम पावर जितना एक हॉर्स प्रोड्यूस करेगा उतना ही हमारा एक हॉर्स का मोटर भी प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर लाइट के बारे में बात करी जाए, जब लाइट बल्ब इन्वेंटेड हुआ तो लाइट बल्ब की भी जो लाइट इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसे हमने कैंडल में ही मेजर किया। मतलब दिस लाइट बल्ब आपको 10 कैंडल्स के बराबर लाइट देगा या 20 कैंडल्स के बराबर लाइट देगा, ठीक है। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग इक्वल हो गई कि 1 लाइट बल्ब इक्वल टू 20 कैंडल या 1 कैंडल, जैसे भी, इससे पता चल गया कि हाँ ये इतना ही प्रकाश करेगा जितना एक हमारी कैंडल प्रोड्यूस करेगी लाइट को। ओके नेक्स्ट। इसी तरीके से जब 1902 आया तो विलियम कैरियर्स ने एसी का क्या करा, इन्वेंशन किया। एसी वर इन्वेंटेड बाय विल्स कैरियर इन 1902। तो उन्होंने जब रेफ्रिजरेटर, वो सॉरी, एसी का एयर कंडीशन को बनाया तो उन्होंने बोला कि पुराने टाइम के अंदर जो मैंने अभी आइस ब्लॉक्स आपको दिखाए थे, उन आइस ब्लॉक्स का यूज समर टाइम में बिल्डिंग्स को कूल करने में किया जाता था। तो इसी तरीके से मेरा एक एसी, मेरा 1 टन का एक एसी उतनी ही कूलिंग प्रोड्यूस करेगा जितना 1 टन आइस प्रोड्यूस करेगी, यानी 1 टन एसी, या इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1 टन एसी उतनी ही हीट को रिमूव करेगा जितना एक बिल्डिंग के अंदर 1 टन आइस करेगी, या एक बिल्डिंग के अंदर 1 टन आइस जितनी कूलिंग प्रोड्यूस करेगा उतना ही 1 टन एसी सेम बिल्डिंग के अंदर करेगा इन 24 आवर्स। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसका राइट आंसर है
कि ये 1 टन विल रिप्रेजेंट द ब्लॉक ऑफ 1 टन आइस. ओके, इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू द वेट ऑफ द एसी, डोंट बिलोंग्स टू द पावर ऑफ एसी. ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 टन ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस. ठीक है, तो अगर यहां पर अगर मैं आप यहां पर कह देता हूं कि आपके पास 2 टन का एसी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 टन का एसी सेम कूलिंग प्रोड्यूस करेगा जितना 2 टन की 2 टन आइस प्रोड्यूस करेगी सेम बिल्डिंग में इन 24 आवर्स, या 2 टन एसी उतनी ही हीट को रिमूव करेगा जितना 2 टन आइस सेम बिल्डिंग के अंदर 24 आवर्स में जितनी हीट रिमूव करेगी. गाइस, तो आई होप सिंपल है ये, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में भी आया होगा. तो यहां कंपैरिजन के लिए जो हमारे विल्स कैरियर हैं, उन्होंने इसे 1 टन ऑफ आइस को के बराबर रखा. क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में लोग बिल्डिंग को कूल करने के लिए आइस का यूज करा करते थे, तो उन्होंने यही बात बोली कि 1 टन जो है इट विल रिप्रेजेंट जितना 1 टन आइस हीट या कूलिंग करेगी, जितना 1 टन आइस कूलिंग करेगा उतना ही मेरा एसी भी सेम बिल्डिंग को 24 आवर्स के लिए कूल करेगा, उतनी ही कूलिंग देगा. ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया. सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ये रहता है 50 और 60 हर्ट्ज वाला, है ना. मैं यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि सप्लाई सिस्टम इन यूएसए, पर्टिकुलरली सम कंट्रीज को यहां पर कहा गया, आपको डायग्राम में भी बता दूंगा, और इंडिया के अंदर जो सप्लाई डोमेस्टिक लेवल पे, वी विल यूज 220 वोल्ट इन इंडिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन से डोमेस्टिक लेवल पर मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, तो यूएसए के अंदर 110 क्यों और इंडिया में 220 वोल्ट क्यों. ठीक है, तो यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम जगह पर जहां पे भी ये इस तरीके का वी यूज 220 वोल्ट सप्लाई, और यहां पर 110 वोल्ट. ओके, अमेरिका में तो ऐसा क्यों, तो इसे स्टडी करते हैं. तो स्टडी करने से पहले हमें कहां जाना पड़ेगा, बैक टू द हिस्ट्री. सो गाइज, लेट्स गो टू द हिस्ट्री. गाइज, हमें पता है थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था, और थॉमस एल्वा एडिसन की जो कंपनी थी इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक, जो जीई के नाम से जानी जाती है, उसने सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सेटअप करा था, डीसी सप्लाई, और वो कितने पर था, 110 वोल्ट पर था. वहीं पर निकोलस टेस्ला ने एसी सिस्टम को इन्वेंट किया था, 3-phase एसी सिस्टम को, जहां वोल्टेजेस कितने थे, 240 के अराउंड था, और उनकी कैलकुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 60 हर्ट्ज था. बट जैसे कि आपको पता है कि निकोलस टेस्ला थॉमस एल्वा एडिसन के लैब असिस्टेंट हुआ करते थे, बाद में धीरे धीरे थॉमस एल्वा एडिसन नहीं चाहते थे कि एसी का डेवलपमेंट ज्यादा हो, क्योंकि उन्होंने जो उनकी कंपनी थी उसे क्या होता, लॉस होता, क्योंकि उनकी कंपनी डीसी पर, डीसी सप्लाई सिस्टम पर काम कर रही थी. तो इसलिए उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने डीसी को ज्यादा प्रेफरेबल बताया एज कंपेरिजन टू 110 वोल्ट डीसी को, एज कंपेरिजन टू 240 वोल्ट. क्यों? क्योंकि यहां वोल्टेजेस ज्यादा था तो शॉक ज्यादा लगता, लेकिन बाद में इन्होंने थॉमस निकोल टेस्ला ने इसे 120 वोल्ट पर ड्रॉप डाउन करा, और जो यूएसए में सिस्टम सेटअप हुआ वो 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज पर हुआ. ओके गाइस, तो मैं 60 हर्ट्ज वाली बात को यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो किसी और वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे हम. तो यहां से वोल्टेज पर हमारा फोकस है, तो इसलिए अमेरिका के अंदर 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सेटअप हुआ. अब यहां पर आगे चलते हैं यूरोप साइड में. तो यूरोप साइड में जो ब्रिटेन में या जर्मनी साइड को में कंपनी थी एईजी ने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड करी यूरोप के अंदर, और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड था एट दैट टाइम वो उन्होंने स्विच ओवर किया 220 वोल्ट पर. क्यों?
क्योंकि उन्होंने देखा अगर हम वोल्टेजेस इंक्रीज करते हैं तो करंट हमारा डिक्रीज होगा और ओवरऑल साइज ऑफ द वायर इज गोइंग डिक्रीज। ठीक है, जो साइज होगा वायर का वो क्या होगा गाइस, डिक्रीज होगा, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं जो गेज होगा वायर का इट विल रिड्यूस्ड। तो पुराने टाइम में कॉपर और एल्यूमिनियम की अवेलेबिलिटी होना बहुत थोड़ा कॉस्टली पड़ता था, ठीक है, इनका एक्सट्रैक्शन इतना आसानी से नहीं हो पाता था। तो इस रीजन की वजह से जो जर्मनी या यूरोप साइड है, यूरोप में इस हायर वोल्टेज को अपनाया गया, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन के अंदर जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिल रहा था, एक तो लॉसेज हमारे रिड्यूस हो रहे थे और साइज ऑफ द कंडक्टर विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यूरोप साइड में इस सिस्टम को अपनाया गया। तो इंडिया के अंदर क्यों 220 आया, क्योंकि हमें पता है ब्रिटिश की इंडिया एक कॉलोनी रहा है और दार्जिलिंग के अंदर पावर प्लांट सबसे पहले सेटअप किया गया था, तो वहां पर भी वही सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा गया जो ब्रिटेन और यूरोप ने फॉलो किया, 220 वोल्ट्स एंड 230 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस आर लेस एंड द साइज ऑफ द कंडक्टर विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। इट इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेरिजन टू यूएसए सिस्टम। ठीक है, और यूएसए, बट देर इज ए स्मॉल डिसएडवांटेज, यहां पर शॉक जो है थोड़ा सीवर है। ठीक है, यहां पर ह्यूमन थोड़ा आपके लिए क्या है, जो सेफ्टी फैक्टर है वो थोड़ा यहां रिड्यूस्ड है क्योंकि वोल्टेजेस आर क्वाइट हाई। ओके, तो पॉइंट ये है, ये सारी बात होगी, क्या यूएसए ने स्विच ओवर करने का नहीं सोचा, तो बेटा लास्ट में बताऊंगा कि यूएसए ने भी ये स्विच ऑफ और रिप्लेस करने का सोचा, उन्होंने भी 220 वोल्ट को एडॉप्ट करने का सोचा, बट जब तक उन्होंने ये पॉइंट या डिसीजन लेने का मन बनाया तब तक जो 110 वोल्ट वाला पावर सिस्टम नेटवर्क है वो अमेरिका में पूरी तरीके से फैल चुका था और जो फ्रिज बल्ब मशीन्स वो सारी की सारी जो थी ऑल आर वर्किंग एट 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सप्लाई। तो अगर वो रिप्लेस करते तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट गवर्नमेंट को और लोगों को बहुत भारी पड़ता, इसलिए उन्होंने कभी भी नए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का नहीं सोचा। ये पूरी एक हिस्ट्री की बात है, इसे प्रेजेंट से जोड़ने की कोशिश मत करना। तो आपको मैंने ये आंसर भी दे दिया क्यों अमेरिका ने 110 को कंसिडरेबल किया है और यूरोप और ब्रिटेन ने 220 को, और 220 कैसे इंडिया के अंदर आया, ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे गाइस। ठीक है, हमने आज के वीडियो में 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, अब मूव करते हैं आगे। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे, सबसे पहले आप साइट पे जाएंगे, साइट में जाने के बाद आप अपना गोल सेट करेंगे गेट और ईएससी का, सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेंगे जितने भी आपको मंथ का लेना है ईयर का लेना है, देन उसके बाद कोड अप्लाई करेंगे राहुल11, और राहुल11 कोड अप्लाई करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर, और अनअकैडमी प्लस उसके बाद आपको इस तरीके से पूरा का ओवरऑल आपको जो कॉस्ट है, अगर मान लीजिए आप 1 ईयर का 25,000 का आपको पड़ रहा था तो यहां पर ये आपको 10% डिस्काउंट लग के 22,500 का पड़ेगा। फाइनली आप पे करेंगे किसी भी कार्ड के थ्रू, आप पे कर सकते हैं, ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, अपना ध्यान रखें, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड बी काइंड टू ईच अदर। थैंक यू सो मच।